माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद, आपने मुझे आज शून्यकाल में अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा से जुड़ी उस योजना की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जो 2007 में मॉडल स्कूल में स्थापना हुआ था, जिसमें देश में कक्षा 6 से 12वीं क्लास तक के 6000 हाई क्वालिटी के स्कूल खोले जाने थे। इस योजना के तहत 3500 स्कूल आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों तथा बाकी के 2500 स्कूल पीपीपी मोड में बनाए जाने थे। केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से बनने वाले इन स्कूलों का स्तर केंद्रीय विद्यालय से भी अच्छा रखने की योजना थी। इसलिए जब योजना को आकार दिया गया तो केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा राज्य शिक्षा विभाग का ऐसा निगरानी तंत्र बनाने का प्रस्ताव दिया गया था जिसे इस स्कूल की गुणवत्ता प्रभावित न हो। देश के कई राज्यों में स्कूल बनाए गए, करोड़ों की लागत से भवन बनाने के बाद अचानक केंद्र सरकार ने इरादा बदल गया और उक्त भवनों को राज्य सरकार को यह कहते हुए सौंप दिया गया कि आप इसमें संचालित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा और है इसमें। कई राज्यों में 8 एकड़ जमीन सुरक्षित कर बनाए गए भवन खंडहर में तब्दील हो रहे हैं, तो कुछ राज्य सरकारों के भवन निजी हाथों को सौंप दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि इस योजना पर पुनर्विचार करते हुए इसे पुनर्प्रारंभ किया जाए और गरीबों को इसमें अच्छी शिक्षा दिया जाए। धन्यवाद।